Assalamualaikum. Thank you, Ma'am Kiran, and thank you, Fizza, from joining us. Ma'am Kiran is head of department in textiles, fashion, and accessory design from Deakin House University. और उनकी अभी एक exciting exhibition भी आ रही है just coming next week called Retrospectives, Textiles and Fabrics. So I'm looking forward to visiting that as well. और फिजा बाजी शेखपुर में engaged हैं पर सारा काम फैसलाबाद से करती हैं और उनका बहुत ही मज़े का क्रोशे का काम है जिन्हें इनोवेशन लाई है अपने जूतों में और फैब्रिक. जी अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन मैम। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हैंडमेड है, क्रोचेट निटेड फिजा, ये क्या आपने इसमें टेक्निक यूज की हुई है? क्रोशे है ये, क्रोशे लग रहा है। जी, क्रोचेट से है। आप हमें जरा अपने बारे में बताएं कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और कहाँ आप रहती हैं और आप क्या काम करें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिज़ा मजीद, फिज़ाज़ कॉर्नर हैंडमेड कलेक्शन के नाम से मेरा ब्रांड है और मैंने कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन ज्वाइन किया हुआ है और ग्रेजुएशन तालीम है मेरी, बीए किया हुआ है मैंने जर्नलिज्म में और साथ मैंने कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी किया हुआ है। और ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये सब हाथ से बने हुए हैं, क्रोचेट निटेड है, हैंडमेड है, बहुत पायदार हैं, सॉफ्ट वूल हम यूज़ करते हैं जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हैं और ये जूते हैं, ये सब हाथ से तैयार हुए हैं, ये हम फैक्ट्री से सोल जुड़वाते हैं, बहुत पायदार हैं और जिसको फ्लैट सोल चाहिए वो फ्लैट भी बनवा सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचा सोल चाहिए हो तो ऊंचा भी लगवा सकते हैं। ये कुशन कवर्स हैं, मैं देख रही थी इनका पेज भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जी इनके जूते भी काफी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक फिजा बाजी ने मतलब बहुत हाँ ही इनोवेटिव टेक्निक दिखाई कि हाँ बैग्स, आई मीन बैग्स तो हमने मैंने देखे हुए थे लेकिन आई थिंक शूज में मैंने पहले दफा के क्रोशे टेक्निक इस तरह का देखा हाँ यू था। राइट, बिकॉज ये शूज जो हैं ये मैंने भी पहले नहीं देखे, और ये फिजाम से शेयर करेंगी कि ये इसका आइडिया इनको किस तरह आया। ये देखें, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये अब इनका क्रोशे है और ये नीचे लेदर है, हाँ लेदर को मुझे पता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लेदर की जो स्टिचिंग मशीन है वो फर्क होती है। और ये आइडिया भी बड़ा जबरदस्त है कि देखें, हम क्रोशे की चादरें तो देखी हैं और स्वेटर्स भी देखे हैं, बच्चों के कपड़े भी देखे हैं, लेकिन ये जो इनका आइडिया है शूज करने का, इसके डिजाइन भी बड़े मुख्तलिफ हैं। और ये फिजा पता नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन इंटरनेशनली ये आजकल बहुत ज्यादा इस चीज की डिमांड है। मैं भी होके आई हूँ यूके से, और वहां पे हाथ के क्रोशे के बैग्स जो हैं वो सारे जो थी शॉप्स ब्रांड्स उनमें अच्छा थी, और ये जो क्रोशे के बैग्स हैं इनकी बहुत आजकल डिमांड है और बहुत ये अच्छे प्राइसेस में बिक रहे हैं। तो फिजा, ये इंशाल्लाह जब आपका यहाँ के बाद आपके पास आगे एक बहुत लंबा सफर है कि ये जो चीजें हैं ये एक्सपोर्ट में भी जा सकती हैं, खास तौर पे ये जूते और जो बैग्स हैं इनकी बहुत डिमांड है और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, और ऊपर से हाथ से बनी हुई चीज की तो वैसे ही उसका मयार जो है वो ऊपर हो जाता है और उसकी डिमांड भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि इतनी मेहनत इसमें इन्वॉल्व है। तो ये फिजा हमें बताएं कि अच्छा, ये नाइट सूट्स भी आप कर रही हैं, तो ये जूतों का जो आइडिया है ये क्रोशे करने का, आप ये इसके साइजेस कैसे करती हैं जूतों के, और किसी फैक्ट्री के साथ काम करती हैं, जूतों की स्टिचिंग उसका साइज डिटरमिन करना जरा मुश्किल होता है। ऐसा है कि ये जो इसका अपर है ना, ये मेरी वर्कर तैयार करती हैं थ्रेड के साथ, और ये जो सोल है ये हम फैक्ट्री से अटैच करवाते हैं। अच्छा हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी। ठीक है, तो इसके और सोल की जो फैक्ट्री है वो आपके करीब में ही है?
सोल जिस तरह से हम मार्केट से लेते हैं ना, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, बिल्कुल इसी तरह से हम तैयार करते हैं। साइजेस का कोई इशू नहीं होता। अच्छा अच्छा और क्योंकि मैं मार्केट में यही नौ देख रही प्रति थी कि ये कि बहुत नीट बने हुए हैं, तो यही लग रहा था कि ये जो भी जी कर रहा है ये हुनर, ये इसके सोल की और उसकी जो अटैचमेंट है वो बड़ी जबरदस्त है, प्रोफेशनल है बहुत। जी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह सेलिंग है इस चीज की। उधर जाओ मैं आती और हूँ। ये आरामदेह भी लग रहे हैं, जूते का ये है ना कि उसके माशाल्लाह शूज का आरामदेह होना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल कंफर्टेबल है। और इसके अलावा अगर कोई कस्टमर हमें कहता है कि ना मुझे हड्डियों का प्रॉब्लम है, मुझे एड़ी दुखती है, आप इसको सॉफ्ट बनाएं, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम उसमें फिर और भी चीजें ऐड कर देते हैं ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो और ये वहां लास्ट टाइम फैसलाबाद में फिजा ये किसी शॉप्स पे बिकते हैं या आपसे ऑनलाइन ही मैम ज्यादा ले सकते ऑनलाइन हैं लोग? जाते हैं, ज्यादा ऑनलाइन जाते हैं, शॉप्स वालों को पता है फिर प्राइस हमारी ज्यादा लगती है, हाँ उन्होंने अपना भी मार्जिन रखना होता है, वो कहते हैं हमें जी चीज जी मिले 700 में, 1000 में, तो ये इतने में नहीं बनते जी। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ा स्पेशलाइज्ड आइटम है, जाहिर है इस पे कॉस्ट भी आती है, मेहनत भी मेहनत बहुत है। ये है बताइए जूतों का आइडिया आपको आया कैसे, क्योंकि ये बड़ा मुख्तलिफ आइडिया है और नई चीज भी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आम ये ये नहीं कस्टमर मिलता। ने मुझे पूछा जी, एक कस्टमर ने मुझसे पूछा था कि जूता बना देंगी, तो मैंने कहा ये तो बड़ी मजे की चीज है, ट्राई करते हैं। तो मैंने अपनी वर्कर से कहा इसको बनाएं, वर्कर ने कहा मैं नहीं बना सकती, मुझे नहीं आता। मैंने कहा ट्राई करें आप, तो बस उन्होंने तैयार किया और वो सक्सेसफुल हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी इसकी सर्चिंग भी की कि फैक्ट्री से कैसे हम तैयार करवा सकते हैं, तो बस इस तरह ही अल्लाह ताला रास्ते बनाते गए। हाँ बिल्कुल, तो जो इसके डिजाइन हैं वो आप खुद ही सोचती हैं या कहीं से देखती हैं, किस तरह होता है? मैम गूगल से सर्च करते हैं, जो भी डिजाइन कोई देता है हम तैयार करके देते हैं। ये तो आपके साथ और कितनी खवातीन काम कर रही हैं इस क्रोशे के शूज बनाने में? शूज बनाने में मेन वर्कर एक ही है, आगे उन्होंने बहुत सारी गर्ल्स तैयार की हुई है साथ हेल्प करने के लिए। अच्छा, देखें ये भी अच्छी एक बात गर्ल है ना। होती है वो ये चीज तैयार करती है, ये नीचे सोल पे आउटलाइन बनाती है, और जो मेन वर्कर है वो ये सारी जी चीज जी करती है, ये ऊपर जो नीटिंग है ना ये सारी जी करती है। जी और ये सब हाथ से होता है, उसके आप बाद फिर इसको अंदाजन। सोल के साथ इसी जो ये साइड पे बाउंड्री बनी हुई है ना इसी में अटैच करते हैं। ठीक, तो ये अंदाजन कितना टाइम लग जाता है एक पूरा शू का ऊपर का हिस्सा तैयार करने में, हाथ से ये पूरा क्रोशे करने में? मसलन कि ये शू है, इसको कितना आपको तो टाइम लग जाता उनकी माशाल्लाह इतनी स्पीड हो गई है कि वो 7 डेज में मुझे 6-7 जूते बना देती हैं। है? अच्छा माशाल्लाह, जी ये स्पीड हो गई। अच्छा और बहुत ही अच्छी बात है मशल के देखिए इतनी इन्होंने और खवातीन को भी सिखा रहे हैं और खवातीन को भी इसमें मैं अपनी वर्कर बहुत से अच्छी कह रही बात। थी कि आप साथ और भी गए, क्योंकि हमारा काम माशाल्लाह ज्यादा है तो एक बंदा नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, जितने उन्होंने लोगों फिर का माशाल्लाह से और रोजगार लग रहा है और खवातीन और बच्चियां ये सीख रही हैं, उतना ही अच्छा है। अच्छा फिजा ये बताएं कि 10-12 आप लड़कियां अब उन्होंने तैयार। कितने सालों से काम कर रही हैं इस फील्ड में? मैम ओनली 3 इयर्स हुए हैं मुझे, अच्छा माशाल्लाह, तो उससे पहले आप नहीं कुछ करती थी, और आपको कैसे माशाल्लाह ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं। आया, तो आपको कैसे ख्याल आया कि मैं, और ये क्यों आपने अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा? कुछ हमारे साथ अपनी जो कहानी है, अपनी जद्दोजहद की, वो जरा शेयर करें। मैम पता कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही फेसबुक सर्चिंग करती रहती थी, देखती रहती थी, तो बस पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने इस काम में मुझे ऐड कर दिया। फिर शौक हुआ, ये हैंडमेड चीजें देखी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अट्रैक्टिव और इनोवेटिव लगी, तो मैंने ऐसे किसी के साथ काम शुरू किया था कि मैं आपके साथ काम करती हूँ। उसके बाद वर्कर्स माशाल्लाह इतनी हो गई, खुद ही कॉन्टेक्ट करने लग गए लोग कि हमसे काम करवाएं, वो मेरी माशाल्लाह अब एक टीम बन गई है, पूरे पाकिस्तान में मेरी टीम काम कर रही है।
अच्छा ये बताएं कि एक औरत होने के नाते आपको कोई मसला दरपेश आया अपने इस सफर में, ये मैं मसले पिछले तीन मसाइल साल से जो आप कर तो रही हैं? फिर होते हैं। फिर वो हैंडल हो जाते हैं या कभी इंसान परेशान भी हो जाता है नहीं या आप कर लेती हैं? अब कर लेती हूँ हैंडल। स्टार्ट स्टार्ट में था, थोड़ा परेशान होती थी, लेकिन अब तो हैंडल कर लेती हूँ। हाँ देखिए, वक्त ने आपको और एक्सपीरियंस ने सिखा भी दिया ना। तो जी, स्ट्रांग ये हो गई हैं बताएं बस। कि जो हाँ जो और बच्चियां हैं हमारे देहातों में या शहरों में, जो कुछ करना चाहती हैं, जिनके हाथ में बहुत हुनर है और वो आपका ये सेशन देख के इंस्पायर भी हो रही हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैम सबसे पहले तो ये कि ये जो फ्री रहने की आदत है ना, ये छोड़नी चाहिए। खुद कुछ करने की सोचेंगे तो कर पाएंगे ना। क्योंकि कई घराने होते हैं अब वो बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह कहते मैंने हैं कि थोड़ा सा नहीं, स्टैंड मसलन कि कुछ घराने होते हैं वो नहीं बच्चियों को इस चीज में पजीराए करते हैं कि काम करें, कुछ लोगों को जॉब्स की इजाजत नहीं होती, लेकिन घर के हालात, माशी हालात ऐसे नहीं होते मैम कि एक ऑनलाइन फर्द पे सारा बोझ डाला जाए। तो आप जैसे लोग जो हैं वो ऐसी यंग बच्चे बच्चियों के लिए एक पैगाम है, एक इंस्पिरेशन है कि देखें हर बंदा अपने तौर पे मेहनत करके कुछ ना कुछ कर सकता है। तो हाँ आपका जी ये बिल्कुल। सफर जो है, इसमें आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट था या मुश्किलात पेश आई? मैम नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो तभी मेरे इतने ज्यादा लिंक्स एक फीमेल के होने बहुत बड़ी बात होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दिन में पता नहीं कितनी कॉल्स आती हैं, सबको डील करना। नाइट में भी लोग कॉल करते हैं, वो भी ऑफ करना पड़ता है सर, तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है मैनेज करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया है मुझे। हाँ बिल्कुल। और आल ओवर पाकिस्तान मेरे पार्सल्स जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड डिस्पैचिंग करते हैं, वो ही पोस्ट करके आते हाँ हैं। बिल्कुल। और बच्चे आपके कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। अच्छा, तो घर का काम, बच्चे और अपना बिजनेस, किस तरह आप टाइम को मैनेज करती हैं? लेते हैं, अल्लाह हिम्मत दे, शुक्र अल्लाह कर लेते हैं। तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि मैं मसरूफ हूँ, फ्री हाँ, नहीं और फिर ये है ना कि जो मसरूफ जहन होता है हूँ। वो बड़ा पॉजिटिव होता है, वो परेशान नहीं होता। आ, जी आ, जो जी जिंदगी की मुश्किलात होती हैं, आप उनको अपने जहन को जब मसरूफ रखते हैं और काम करते हैं, तो फिर आपको ना सिर्फ उसका नतीजा नजर आता है, लेकिन जी जाहिर है माशी तौर पे भी आपकी हेल्प होती है, आपका घर के हालात भी बेहतर मैम, होते हैं। तो वो और बच्चे जी मैम बच्चियों के लिए शुक्र। आप मेरा ख्याल है एक मिसाल हैं। जी मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफी फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आपकी अच्छी लगी कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। जो मुश्किलात भी आई, आपने ये नहीं कहा कि हाँ मैं बहुत मुश्किल से गुजरी और मुझे ये हुआ और इस वक्त ये हुआ, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने, बल्कि आपको लगता है कि और हिम्मत दी। स्ट्रॉन्ग कर तो दिया आप मैम, जैसे लोग स्ट्रॉन्ग जो है ना वो हाँ बिल्कुल और स्ट्रॉन्ग कर दिया, और यही चीज हमें मैम। अपने यंग जनरेशन में चाहिए। स्टार्ट स्टार्ट में ऐसा होता था, लोग समझते थे जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं पता नहीं फारिग हैं घर से, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, जब मर्जी कॉल कर दी, जब मर्जी उल्टे सीधे मैसेजेस, इस तरह से होता था। लेकिन स्टार्ट में ऐसा हुआ है, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि सारी दुनिया ही ऑनलाइन काम कर रही है, तो सब फारिग नहीं बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो आपने अपने कोई वर्किंग आवर्स रखे हुए हैं या आप मतलब सुबह में जाती हैं या ये मतलब फ्लेक्सिबल होता है, कभी आप जाती हैं जब बच्चों के हिसाब से अपना रूटीन करती हैं? मैम जब मर्जी ऑनलाइन है ना, घर पे बैठे हुए जब मर्जी कर लें, जब दिल चाहा ऑफ कर दें, जब दिल चाहा ऑन कर लें। वैसे ये मैं भी मुफ्त अच्छी में बात है। काम। थैंक यू फिजा भाजी अपना वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जैसे आपने व्यूअर्स देख के आप उनको डायरेक्टली फेसबुक और वेबसाइट पे भी वो कर सकती हैं कांटेक्ट। वेबसाइट पे देखेंगे ना ये ग्रीन सा जो आपको उधर नजर आ रहा है बटन वगैरह सब, तो क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली
फिजा बाजी को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने जगह जगह पे इनका व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ भी है कि जैसे इधर अगर ऊपर जाएंगे तो हर प्रोडक्ट के साथ इनका वो व्हाट्सएप का नंबर जैसे ही 9 दिन लिखा हुआ है, तो आप उनको डायरेक्टली इधर से डायल कर सकती हैं, और या अगर आप इधर उनको प्रेस करें तो आपको डायरेक्टली ले भी जाते हैं कि आप फिजा बाजी को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह व्यूअर्स को काफी हाँ है कि हाँ वो उनको लिखा हुआ है हाँ कंटिन्यू टू चैट, ये भी अच्छा है, कंटिन्यू टू चैट। जी, हाँ तो इस तरह फिजा बस अब ये बाजी व्यूअर्स इनकी देख सकते हैं कि इनके पास बहुत रेंज है प्रोडक्ट्स के, इसमें बैग्स भी हैं और क्रोशे की यू नो बेड शीट्स एंड बेड कवर्स भी हैं, एंड यू नो शी इज डन शूज इज वेल, विच इज अ वेरी न्यू इनोवेटिव प्रोजेक्ट। देन शी हैज यू नो किड्स लाइन एज वेल, सो आई थिंक हर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इज यू नो इज डाइवर्स। A creative entrepreneur, I think there's a long way to go. प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल मुबारक हो है। आपको फिजा। और हाँ कंसिडरिंग के देखें ये हैंडमेड है, उस हिसाब से ये इनकी प्राइसेस बहुत माकूल हैं। जी, इस समय बता रही हूँ कि मैं तो अभी देख के आई हूँ, तो वो जो क्रोशे के बैग्स थे वो काफी एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि जो हाथ की चीज है उसकी तो बहुत पजीराई होती है बाहर के मुल्कों में। तो हमें भी जो है अपने इन आर्टिजन्स को और इन खवातीन को सपोर्ट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच ठीक, मैम, फिर थैंक यू मशेल फॉर बाय। इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया फिजा आपका शेयर करने का। थैंक यू, हाफिज।